दोस्तों मैं हूं प्रियांशु और इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूं डायनसिंग की तरफ से सोलर S3M क्यूब का। तो ये एक बजट मैग्नेटिक क्यूब है जो कि कुछ महीने पहले ही रिलीज हुआ है। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड क्या क्या फीचर्स मिलती है हमें इस क्यूब में। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो बॉक्स को देखें तो काफी प्रीमियम बॉक्स है। यहाँ पे S3M लिख रखा है, यहाँ पे क्यूब का एक काफी बेहतरीन डायग्राम बन रखा है। यहाँ पे आई गेस डायंगसिन S3M लिखा हुआ होगा एंड बैक साइड में कुछ और चीजें लिखी हैं चाइनीज में। ओके एंड ये है कुछ एक्स्ट्रा सेंटर कैप्स मेरे ख्याल से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 6 कलर के सेंटर कैप्स हैं। ओके इनको रखते हैं पहले साइड में एंड ये रहा हमारा क्यूब। क्यूब किसी भी तरह के प्लास्टिक रैपिंग में नहीं है ये, अभी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये टोटली लाइक अनकवर्ड है। एंड उसके बाद बॉक्स में ये है एक आई गेस व्हाइट कलर का एसेसरीज बॉक्स। तो ये है आई गेस यूजर मैनुअल सोलर S3M का। ये है एक क्यूब सॉल्विंग गाइड, डायंगशिन का क्यूब स्टैंड, ये एक एक्स्ट्रा कोर है इसके साथ हमें मिला है इसके एसेसरीज बॉक्स में। ये है एक ब्लैक कलर का स्क्रू ड्राइवर, एक्स्ट्रा स्प्रिंग्स एंड नट्स एंड वॉशर्स। तो ये रहा हमारा क्यूब, काफी लाइक डार्क कलर थी मिलता हमें इस क्यूब पे एंड ग्लॉसी फिनिश है इस क्यूब का जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। सो लेट्स हैव फ्यू फर्स्ट टर्न्स। वो सो लाइक काफी लूज फील हो रहा है, काफी क्रंची फीलिंग आ रही है अभी इस क्यूब से, बट काफी लाइक फास्ट ये फील हो रहा है अभी ये क्यूब आउट ऑफ द बॉक्स एंड लाइक फीलिंग इस क्यूब की काफी डिफरेंट है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ब्लैक इंटरनल्स हमें मिलता है इस क्यूब में एंड यहाँ पे हमें मिलता है स्केल फिस स्केल कॉन्टैक्ट सर्फिस जो कि इसके सर्फेस एरिया को कम करने में एंड लुब्रिकेंट्स को होल्ड करने में काफी यूजफुल होता है। एंड लाइक ये टोटली ब्लैक इंटरनल नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके जो एच पीसेज एंड कॉर्नर पीसेज का जो लेग है ना वो व्हाइट कलर का है। तो ऐसा मैंने देखा था MGC Evo के ब्लैक वाले वर्जन में। ओके तो ये है MGC Evo का ब्लैक वर्जन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम डिजाइन हमें मिलता था इस वाले क्यूब में भी। ऑल्सो ये काफी चीप क्यूब है तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसके एसेसरीज बॉक्स पे इतनी सारी चीजें निकलेंगी एंड लाइक काफी प्रीमियम ये फील काफी प्रीमियम बॉक्स में हमें ये क्यूब मिलता है। सो ऑल्सो ये क्यूब जो है ना वो काफी ड्राई है अभी आउट ऑफ द बॉक्स। आई गेस इसको ल्यूब करूंगा तो इसका जो स्मूथनेस है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा इस क्यूब का एंड ऑल्सो जो नॉइज अभी आ रही है ना इनिशियली इस क्यूब से वो थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए इसको ल्यूब करने के बाद। एंड इनिशियली मुझे ये क्यूब जो है ना GMP जैसा फील हो रहा है। GMP भी जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो थोड़ा सा नॉइजी था बट काफी फास्ट था। ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायमेंशन भी दोनों क्यूब के हैं वो एग्जैक्टली सेम 56 mm के हैं। ओके एंड टोर्नेडो V2 जो 55 mm का है तो यहाँ पे आपको गैप जो है वो दिख जाएगा इस क्यूब दोनों क्यूब्स के साथ। ओके तो ऑल्सो इसकी वेट की बात करें ना तो इसका मैं वेट कर लेता हूँ। तो ये 84 grams का है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायंगशिन सोलर S3M। वही अगर मैं आपको GMP का वेट दिखाऊं तो ये GMP हमें हल्का सा कम वेट का मिलता है, ये 72 grams का है। तो हल्का सा ये क्यूब जो है वो हल्का सा भारी है। सो आउट ऑफ द बॉक्स कॉर्नर कटिंग को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 degrees जो है वो काफी एफर्टलेस यहाँ पे हमें मिलता है फॉरवर्ड कॉर्नर कटिंग। ओके 30 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो भी यहाँ पे हमारा कॉर्नर कटिंग जो है वो काफी एफर्टलेस है। 45 देखता हूँ तो 45 भी हमारा जो ये क्यूब जो है वो काफी ईजिली कॉर्नर कट कर ले रहा है फॉरवर्ड कॉर्नर कटिंग। 45 से भी आगे बढ़ने पे हमारा ये क्यूब जो अब जो है वो थोड़ा सा लॉक हो रहा है बट 45 जो है वो ये क्यूब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो काफी यहाँ पे हमारा ये क्यूब जो है वो इजीली कॉर्नर कट कर लिया है। वही रिवर्स की बात करें तो रिवर्स 30 degrees लाइन टू लाइन काफी इजीली लाइन टू लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे भी हमारा ये क्यूब थोड़ा सा अटक रहा है बट स्नैपी है। तो ओवरऑल इस क्यूब का जो कॉर्नर कटिंग है आउट ऑफ द बॉक्स क्योंकि ये क्यूब काफी लूज है ना इस कारण से इसका क्यूब का जो कॉर्नर कटिंग है वो थोड़ा सा बेहतर है। तो लेट्स सी इसको जब मैं टाइट करता हूँ इसका कॉर्नर कटिंग कैसा होता है तो मैं डेफिनेटली आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। एंड ऑल्सो कॉर्नर ट्विस्ट जो है ना इस क्यूब पे काफी ईजिली हमें मिल रहे हैं
तो आई गेस सॉल्व के दौरान डेफिनेटली इसमें कॉर्नर ट्विस्ट वाली जो है प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें स्क्रूज मिलते हैं एंड इसको अनस्क्रू करने के लिए हमें इसके साथ एसेसरीज में एक ब्लैक कलर का स्क्रू ड्राइवर मिला था। ओके, तो इस क्यूब में आप देख सकते हो कि हमें स्प्रिंग का एक कैप्स्यूल मिलता है, ओके, जो कि इस स्क्रूज से टाइट किया हुआ है, जो कि हमें प्री इंस्टॉल्ड क्यूब में मिलता है। व्हाइट कलर का ये कैप्स्यूल है। उसके बाद इस क्यूब के इंटरनल्स पे ध्यान दें, तो ये है इस क्यूब का इंटरनल। जैसे मैंने दिखाया कि फिस स्केल, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट सर्फेस मिलता है इस क्यूब में। तो ब्लैक इंटरनल्स वाला क्यूब जो है वो मुझे काफी बेहतर लगते हैं टोर्नेडो V2 के कारण, एंड यही एक रीजन था मुझे इस वाले क्यूब को खरीदने के लिए, क्योंकि इसको मिला के मेरे पास इसके साथ तीन और क्यूब्स मेरे पास ब्लैक इंटरनल वाले हैं। ओके, तो ये जो है हमारा चौथा क्यूब होगा ब्लैक इंटरनल वाला मेरे क्यूब के कलेक्शन में। तो ये है हमारा सेंटर पीस जो कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है। ओके, तो अगर हम चाहें तो इसको टोटली रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको सेंटर पीसेस को ही चेंज करना पड़ेगा, सेंटर कैप्स को नहीं, क्योंकि ये सेंटर कैप्स नहीं है, टोटली पीसेस ही दे रखी है इन लोगों ने। इसको हम यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा क्यूब जो है वो इस तरह से देखने को लगेगा। ओके, तो इसमें जो इस साइड पे आप देख सकते हो कि राउंडेड सेंटर पीस हमें मिलता है यहाँ पे। ओके, बट यहाँ पे जो इसके ब्लैक इंटरनल जो है वो ज्यादा विजिबल रहेंगे। तो ये क्यूब जो है वो 800 से लेकर 900 रुपीज के बीच में काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो कि समथिंग अराउंड 11 to 13 के बीच का होगा। एंड इस प्राइस रेंज में ये डेफिनेटली मोयू के RS3M 2020 वाले वर्जन से काफी लाइक डेफिनेटली डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रखता है। ओके, तो जो RS3M वाला वर्जन होता है वो भी इसी प्राइस रेंज में आता है, आपको 700 to 800 रुपीज के बीच में काफी इजीली मिल जाता है हमें ये क्यूब, जो कि काफी बेस्ट सेलिंग क्यूब है, काफी लोगों का मेन है, काफी बेहतर परफॉर्म करता है, एक बजट मैग्नेटिक क्यूब। एंड इसी प्राइस रेंज में हमें ये डायनशिन की तरफ से सोलर SRAM मिलता है, जिसकी जिसकी जो फील है वो काफी प्रीमियम है। तो डेफिनेटली ये क्यूब जो है वो चीपर गैन क्यूब जैसा फील करता है, बट लेट्स सी ये क्यूब कैसा परफॉर्म करता है, इसको सेटअप वगैरह कर लूँ, इसको टाइट वगैरह कर लूँ। तो सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं डेफिनेटली इस क्यूब के ऊपर एक डिटेल रिव्यू बना के बताऊंगा कि ये क्यूब कैसा परफॉर्म करता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।